सादाबाद में पकड़ी गई नकली शराब बनाने की फैक्ट्री। हाथरस जिले के सादाबाद में सलेमपुर रोड पर पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर सलेमपुर रोड के एक मकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा गया। कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र के नेतृत्व में सादाबाद पुलिस की टीम द्वारा सलेमपुर रोड सादाबाद स्थित जगदीश चंद्र के मकान पर काफी दिनों से शराब बनाने की सूचना मिल रही थी। पुलिस को सटीक सूचना मिलने के बाद रविवार की सुबह की गई छापेमारी व घेराबंदी के दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब के अलावा करीब 1000 से अधिक शराब के पौवे, बोतल, ब्रह्म भरी शराब के अलावा शराब बनाने का सामान, मशीन व अन्य सामान भी पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान अवैध शराब फैक्ट्री पर मौजूद एक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल कब से यह शराब बन रही है यह अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन इसका पुलिस पदार्पण करेगी। सादाबाद पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में उप निरीक्षक रामवीर शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, अमित कुमार, ब्रजेश कुमार, अनिल कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सादाबाद कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर भारी शराब पकड़ी गई है, जिसमें SI रामवीर शर्मा के नेतृत्व में यह शराब पकड़ी गई है। कोतवाल जगदीश व अमित, धर्मेंद्र, ब्रजेश आदि लोग इसमें शामिल थे, जिनके द्वारा शराब एक मकान से पकड़ी है। मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है, जिसको लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। मैं रंजीत कुमार, इंडियन समाचार।